छह वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, दो वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित, नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद अ न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नौ निर्माण, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे राम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। देश की बिगड़ते आर्थिक स्थिति को सहारा देने दिल पर पत्थर रखकर सरकार ने मनरेगा के कार्यों को अनुमति प्रदान की, परंतु भ्रष्टाचार की गढ़ माने जाने वाले मनरेगा की कार्यशैली पर सरपंच और रोजगार सहायकों के द्वारा कालिख पोती जा रही है। देखें किस तरह भ्रष्टाचार की भेंट चल रही मनरेगा के कार्य। लगातार मिल रही शिकायतों के अनुसार ग्राम पंचायत सरपंच और रोजगार सहायक द्वारा मनरेगा के कार्यों में जो काम पर नहीं आते उनका भी नाम भरवा दिया जाता है, साथ ही इस क्षेत्र भारी लापरवाही का मंजर देखा जा रहा है। बिलासपुर जिले के बिल्हा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मोहभट्टा में मनरेगा के तहत काम करने वाले टोटल 264 लोग हैं, जहां पर नियम के अनुसार अधिकतम 7 मेंट लगाना चाहिए, लेकिन रोजगार सहायक और ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा 14 मेंट रख दिया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का किसी भी प्रकार से पालन नहीं किया जा रहा। गांव में मास्क के वितरण और सैनिटाइजर का भी कोई भी व्यवस्था मनरेगा कार्य की जगह पर नहीं किया गया है। पानी और साबुन का भी व्यवस्था नहीं है। रोजगार सहायक और सरपंच की मिलीभगत से गांव के जो लोग काम पर नहीं आते उनका भी नाम मस्टर रोल में डाल दिया जाता है और जो लोग सही तरीके से काम करते हैं उनका इधर उधर कर कुछ पैसे कटवा दिया जाता है। मनरेगा का काम चल रहा है, इस पे पूरा धांधली चल रहा है, सरपंच, रोजगार सहायक और कुछ और लोग हैं इसके साथ में। क्या क्या है पूरा मामला? यहाँ जो आदमी गोदी नहीं खन रहे हैं, जो आई नहीं रहे हैं उसका चढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो आदमी खन रहा है पूरा टाइम मेहनत कर रहे हैं उसका पैसा काट के आ रहा है, प्लस उसका नाम लिस्ट में आई नहीं रहा है, कभी आ रहा है लिस्ट में कभी नहीं आ रहा है, एक हफ्ते में आ रहा है एक हफ्ते नहीं आ रहा है, आदमी वापस जा रहे हैं काम करने का गरीब आदमी। और यहाँ जो बैठे बैठे मतलब लोग हैं, जो अच्छे अच्छे जो लोग हैं उन लोग जाके बढ़िया बिना पेमेंट का हाजी चढ़ा रहे हैं। अच्छा, अभी सरपंच से बात की क्या बोले सरपंच? सरपंच तो अपने मुँह से मुकर रहा है, कभी बोल रहा है हाँ कभी बोल रहा है ना बोल रहा है। सरपंच से बात किए हैं तो बोल रहे साफ हो मैं फ्री में किसी को किसी का भी डाल सकता हूँ, जो करना कर लो बोल रहा है। ऐसे बोले पूरा लेडीज बोल रहा है, बोले बोले कि नहीं बोले फटाफट बोल रहा है, वैसे बोल रहा है। सामने आओ सामने आओ सामने आओ सामने आओ सामने आओ सामने आओ। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लेडीज, थोड़ा दूर हो, इंजीनियर भी उससे बात कर रहे हैं। सरपंच बोला थे कि रोजगार जो रजिस्टर लिखा थे ओकर में चार जन के फ्री में रोजी देहा का, चार जन के फ्री में, हाँ फ्री में रोजी देहा का। तो सरपंच लग कुछ हो बोले हो कर बाद? ओकर बाद हम कुछ नहीं बोले, खसक गए हैं। अच्छा, तुम मतलब मास्क दिए सरपंच? नहीं दे भाई, हमने मास्क नहीं दे, नहीं दे कुछ नहीं दे। अच्छा, यहाँ जहाँ जहाँ गोदी खुदाई होते हैं वहाँ पर कुछ हाथ वगैरह धोए के व्यवस्था? नहीं है, बस पानी पिया है वा, वो पानी बस पिया था, साबुन उबुन कुछ नहीं दे। कितना दिन हो गए? बोला यह दूसरा हफ्ता हो से माँ, और वो नाली माँ एक हफ्ता कमाए। अच्छा चल ठीक है, यहाँ और जानकारी ले रहे हैं, बस दूरी बना के रखेंगे। आप बताएं क्या क्या परेशानी हो रहा है? सर बोली सेवा सरपंच है जो नहीं आई, ओखरो नाम लिखा मोर मर्जी लिखना, ओखर घर के सब जन के देहा, अमोर मर्जी जेखर मन पढ़ी ओखर में चढ़ाऊँ बोली से सर सरपंच है। अब बोली से सरपंच है ओखर मतलब कोई भी कुछ बोलबे ना तो जो करना है कर ले इसे बोली से। अच्छा, तो एक शिकायत ककरो ऊपर अधिकारी को करे हो? नहीं करे हैं, अभी करे हैं, इंजीनियर फोन करी से उदयी से। अच्छा, इंजीनियर का बोला था? हाँ बोला थे वो है, अब का बोला तू मन तो हो। अच्छा ठीक है, यहाँ पर इंजीनियर भी सामने है, आप बताएं इंजीनियर क्या बोल रहे हैं? इंजीनियर खुद अपने बात से मुकर रहे, इंजीनियर सीधी बात नो बकवास। हाँ चलिए ठीक है, यहाँ पर और कुछ लोग उपस्थित है उससे भी जानकारी देते हैं। यहाँ इंजीनियर आए हैं, इंजीनियर क्या क्या यहाँ सजेशन दे रहे हैं आपको बताइए? इंजीनियर बोल रहे सर कि इसे मैं कुछ नहीं कर सकता, नाप होगा जो आएगा उसी डलेगा और कुछ नहीं होगा, ज्यादा बोल रहा है ये। अच्छा, हमको शिकायत मिली है कि यहाँ पर जो लोग काम करने नहीं आते हैं उसका भी नाम डाला गया है। हाँ, डाला उसके है। बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पे नाम जो नहीं आया है उसका भी नाम डाल रहा है,
साफ सूचित भी किया जा चुका है सरपंच को, रोजगार सहायक को, वो बोल रहे डायरेक्टर उसका नाम डलेगा, अपने तरफ से मैं दूंगा ऐसा बोल रहा है, उसमें अपने पैसे नहीं दूंगा ना, मैं डलवा रहा हूँ और जो करना है कर लो, तुम गोदी खोड़ना है कोड़ो, नहीं खोड़ घर भागो बोल रहा है। इसकी शिकायत और किसी से किए हैं क्या अभी तक? सरपंच से कर चुके हैं, रोजगार सहायक से कर चुके हैं, पंच से कर चुके हैं, सबसे कर चुके हैं, अब बोल रहा है नहीं कोड़े तुम लोग मत कोड़ो, दूसरे पंचायत से हम लोग मंगा लेंगे आदमी और कोड़वा लेंगे। अच्छा, यहाँ पर सरपंच जो है वो ग्रामीणों को बोला जा रहा है सरपंच द्वारा कि दूसरे पंचायत से काम करने वाले बुला लेंगे, लेकिन यहाँ जो जो एक्स्ट्रा आदमी का नाम डाल रहे हैं उसको डालना बंद नहीं करेंगे। यहाँ पर तो अभी इंजीनियर आए हुए हैं स्पॉट में, क्या बोलना जा रहा है इंजीनियर? इंजीनियर का कुछ समझ ही नहीं आ रहा है सर, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, पहली बात तो ये फिर भी नहीं मान रहे बात वो। अच्छा, तो रोजगार सहायक से इसके बारे में बात किए हैं जो एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, क्या बोला है रोजगार सहायक, क्या नहीं डर रहे बोलते हैं वो? नहीं डल रहा है। अच्छा, ऐसा जो एक्स्ट्रा जो डल रहा है जिसका नाम, उसका जी नाम आप बताएंगे? एक्स्ट्रा नाम में है राहुल का सवाल, उसकी मम्मी का नाम तो पता नहीं है, उसका डल रहा है राजकुमारी, और पवन है, महेश्वर है, नर्मदा है, और लगभग सभी का नाम बता, सभी लगभग कितने लोग होंगे? लगभग 20-25 लोग तो होंगे सर, मतलब लगभग यहाँ पर 20 से 25 लोग का नाम एक्स्ट्रा डाला जा रहा है। सरपंच किस किस के द्वारा डाला जा रहा है ये? सरपंच, रोजगार सहायक, अर्जुन जायसवाल, मेडगिरी काम, हाँ जो मेडगिरी है अर्जुन जायसवाल जी। अच्छा, यहाँ पर टोटल कितने लोग काम करते हैं इसका कुछ? यहाँ कम से कम लगभग 200 से 250 लोग काम करते हैं। कितना मेड कितना होगा यहाँ? मेड तो सर यहाँ कम से कम 15-20 लोग हो गए, 15-20। चलिए, रोजगार सहायक कौन है यहाँ पर? चलिए, रोजगार सहायक से बात कर रहे हैं हम जी, आपका नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम छोटू निषाद है। ग्राम पंचायत का नाम बताएं? ग्राम पंचायत मोभट्ठा। तो टोटल यहाँ पर लगभग कितने मैट हैं, वो संख्या बताएंगे मैट का? यहाँ पे सर दो जगह काम हो रहा है, एक में 7 मैट हैं और उस जगह भी 7 मैट हैं सर। सात टोटल सर, अभी 4 मैट रही है। ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा मनरेगा में काम करने वाले और लोगों को डराया धमकाया जाता है कि मैं अपने घर और परिवार वालों का नाम अपने मर्जी से भरूंगा, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे कहीं भी जाकर शिकायत कर लो। इसी कारण गुस्साए हुए ग्रामीणों ने मनरेगा इंजीनियर को भी शिकायत कर कार्यस्थल पर बुलाया। इंजीनियर द्वारा गोलमोल जवाब दे दिया गया। उनके सामने मस्टर रोल पर काम न करने वाले लोगों का नाम लिखा हुआ था। ग्रामीणों ने साबित किया, इसके बाद भी लास्ट तक इंजीनियर द्वारा गोलमोल जवाब देकर शासकीय नियमों का हवाला देते हुए निकल लिया गया और जो लोग गलत किए हैं उनके खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने की बात उनके द्वारा बोली गई। अब देखने वाली बात होगी कि फर्जी मास्टर रोल बनाने वाले रोजगार सहायक, 14 मेंट और सरपंच के ऊपर संबंधित अधिकारी द्वारा किस प्रकार से कार्रवाई किया जाता है। जी, आपका नाम बताएं? अनुराग चौरसिया, तकनीकी सहायक, जनपद पंचायत बिला। अच्छा, यहाँ पर ग्रामीणों का आरोप है कि बार बार इंजीनियर भी यहाँ आया हुआ है, लेकिन जो सही जानकारी होना चाहिए उसको छुपाया जा रहा है। नहीं, सही जानकारी देखो, ऐसा है कि मास्टर रोल में जिनका पैसा गया है तो ये उनके पिताजी बाजू में खड़े हैं, वो बोल रहे हैं मैं विकलांग हूँ तो मैं 4 हफ्ते 4 दिन का 5 दिन का काम किया, अब उसके बाद मेरा मास्टर रोल से नाम पता नहीं कैसे छूट गया, तो अब छूट गया तो अब क्या करेंगे, तो उसके जगह पे उनका पेमेंट कराना ही है, तो जो उनका बेटा है वो आ रहा था काम में तो उसका पेमेंट कर दिया गया। अच्छा, जैसे अभी फोन से रिकॉर्ड करके आपको सुनाए हैं कि उसका जो बेटा जिसका नाम डाला है वो भी बोला है कि मैं एक दिन के लिए नहीं आ रहा हूँ, नहीं आया हूँ करके उसका नाम डाला हुआ। नहीं नहीं, उसका जो बेटा है जिसको कॉल किया गया था नहीं आया हूँ बोल रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आपको सुनाए हैं? अब जैसे अब उन लोग बोल दिए हैं कि नहीं आ रहा है, तो भाई जो पेमेंट जिनके पास गया है वो रिकवरी होगा, वो देंगे है ना, और जो जो मतलब उनका पेमेंट डाला है तो उनके ऊपर तो फिर अब कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, यदि जांच करा के हम लोग एक्शन लेंगे उसके ऊपर, उसी है ना संदर्भ में। जैसे जो आए नहीं है जिसका नाम डाला जा रहा है, पेमेंट अलग है, सिर्फ उससे रिकवरी करना है कि उसके ऊपर जो नहीं उसके कार्रवाई तो होगा भाई, जो पेमेंट गलत डाल रहा है तो उनका या तो उनको जो जैसे रोजगार सहायक की गलती है तो भाई उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा सीधा सीधा, उनका तो भाई कार्रवाई होगा ही, वो तो प्रावधान है कि गलती करोगे तो भी भुगतना तो पड़ेगा ही, सीधा बात है ना जी। अभी ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ पर 20 से 22 लोग जो काम करने नहीं आते हैं। मेट ऐसा है कि 20 से 22 लोग मेट का बात कर रहे हैं या किसका बात कर रहे हैं? मेट छोड़ के बात कर रहे हैं। हाँ, तो जो मेट के छोड़ के बात कर रहे हैं तो वो उन लोगों का भी तो ऐसा ही है, यदि उन लोग नहीं आ रहे हैं तो फिर उनका पूरा जीरो जाएगा इस हफ्ते का, एक भी आदमी का पेमेंट नहीं जाएगा है ना। उनका पेमेंट भी जा चुका है बता रहे हैं अभी भी नहीं, तो जिनका चला गया तो फिर उनसे तो रिकवरी करना ही पड़ेगा, और जो डाल दिया उसका तो फिर मैं बता चुका हूँ कि उनका पेमेंट वापस करना ही पड़ेगा। जिसके अकाउंट में डाल दिया गया है सिर्फ उसी के ऊपर कार्यवाही होगा कि जो डाला गया दोनों जो भाई अब जो नहीं आया है वो अपना पेमेंट क्यों लिया, पहली चीज, दूसरी चीज, और जो डाला क्यों, क्योंकि गलती तो उसकी जो डाल रहा है। अच्छा, इसमें मेन पेमेंट डालने के लिए, उसका हाजिरी डालने के लिए मेन कौन रहता है इससे?
मेन यहाँ के मेट लोग सबसे पहले तो मस्टर मेजरमेंट करेंगे, मेजरमेंट करने के अकॉर्डिंग यदि उनका जितना भी गोदी का साइज आता है उस हिसाब से पैसा देंगे, यदि नहीं है तो फिर उनको बताना चाहिए कि भाई यह व्यक्ति नहीं आया है तो उसका जीरो डलेगा। अच्छा, इसमें रोजगार सहायक और सरपंच का क्या भूमिका रहता है इसमें? जो एजेंसी तो उन्हीं लोग हैं, है ना, तो मेन भूमिका उन्हीं का है, बाकी मेजरमेंट वगैरह करना हमारा काम है, हम लोग मेजरमेंट करवाते हैं अपने मेट लोगों से, है ना। यदि मेजरमेंट में जितना पाया जाता है उसके हिसाब से पेमेंट किया जाता है। यदि पूरा हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि हर एक का मतलब मेजरमेंट करते हैं उसके हिसाब से फिर पेमेंट देते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारे साथ उपस्थित है जो जिसका एक मिनट जिसका वो क्या बोला जाए आपके राहुल वाला है। हाँ, तो राहुल, ये जो राहुल बोला जा रहा है वो हाँ, कौन है राहुल? राहुल मेरा लड़का है। तो उसका नाम एक्स्ट्रा डाला हुआ है, मेरा नाम नहीं आया था, जा रहा था काम में, चलने में भी तो असमर्थ था मैं। हाँ, इसे मेरे बदले उसको भेजा गया था, मेरा मास्टर निकला था मेरे नाम से, निकलते तक उसी के मैंने किया हुआ, उसके बाद नहीं डालेगा, मेरा नाम आ जाएगा तो फिर कहा उसको डालूंगा मैं। बिला से मनहरन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।